नंबर वन है, गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30% रक्त की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री के लिए प्रतिदिन कितना आयरन लेना आवश्यक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 700 से 900 मिलीग्राम आयरन की मात्रा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण करने से शिशु को जन्म देने तक लगभग कितनी कैलोरी व्यय होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कितने ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस माह से भ्रूण का विकास होने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3rd माह से भ्रूण का विकास आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में स्त्री की शारीरिक वजन होनी चाहिए या हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मांस पालक यकृत संबंधी जो भी मछलियां हैं उनको देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विटामिन सी की पूर्ति ये सभी पोषक पदार्थ करता है, इसलिए इसके लिए अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटापा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाते हैं, रक्त परिवहन में परिवर्तन हो जाते हैं और चयापचयी परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में शरीर के किस तत्व की वृद्धि हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 280 दिन का। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिनाल, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण माता के रक्त से पोषण पहुंचता है वह क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन विषाक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट में दर्द होना। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीनता रोग का लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सांस फूलना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, त्वचा नाखून और आंखों में पीलापन होना। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिक धर्म का बंद होना। अगला क्वेश्चन है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम गर्भावस्था की वह कठिनाई है जिसमें उल्टी अधिक होती है वह किस एज में होती है। तो वह 2 से 3 माह की अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्री एक्लेम्पसिया में गर्भवती स्त्री को कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पैरों में सूजन देखने को मिलता है।